बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 10 स्टडी कर रहे थे, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव स्पीड। आपकी बुक का पेज नंबर है 18, आपने पेज नंबर 18 ओपन करना है। आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक वेव स्पीड। इससे पहले हमने वेव्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जैसे कि वेव लेंथ होगी, वेव साइकिल हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगी। और आज हम जो है वो वेव स्पीड को स्टडी करने जा रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बीच में है, वो भी हम ड्राइव करेंगे, जो कि आगे जो है वो डिफरेंट फॉर्म जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये जो वेव स्पीड है ये क्या है। तो वेव स्पीड, देखें स्पीड के नाम से तो आप लोग आपको इससे आप अवेयर होंगे कि स्पीड आपके पास क्या होती है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। आपने 9th क्लास में स्पीड को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। तो जब आप वेव स्पीड की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेव जितना भी डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी क्या होती है, वेव स्पीड होती है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपने 9th क्लास में क्या हुआ है कि आपके पास स्पीड किसके होती है, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। तो इसी तरह से हमारे पास जो यहाँ पे भी वेव स्पीड है वो क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेल एस वाई डेल टी होगा। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, ये यूनिट टाइम में जो है वन वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मींस के इसका जो डिस्टेंस है वो इसकी वेवलेंथ के इक्वल है, ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। और ये दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होते हैं। तो लेट हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो डेल एस है ये इक्वल है लैम्डा के, मींस हमारे पास जो वेव डिस्टेंस कवर्ड कर रही है वो कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, लैम्डा डिस्टेंस कवर्ड कर रही है। अब अगर हम डेल एस की जगह जो है वो लैम्डा लगा लें तो हमारे पास, और हमारे पास जो टाइम होगा, ठीक है, ये जो टाइम है ये इक्वल है टाइम पीरियड ऑफ वेव लेंथ। बात समझ आई है आपको कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है वेवलेंथ के, और जो हमने टाइम यहाँ पे सेट किया है वो टाइम पीरियड ऑफ वेवलेंथ। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टाइम जो कि किसी भी वेव को रिक्वायर होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब एक साइकिल कंप्लीट करती है वेव तो कितना डिस्टेंस कवर्ड करती है, लैम्डा डिस्टेंस कवर्ड करती है ना जब भी, और कितना टाइम उसको रिक्वायर होता है, डेल टी जो है वो उसको टाइम रिक्वायर होता है, विच इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास होता ही वो टाइम है जिसमें जो आपकी वेव है वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, और एक साइकिल जब वो कंप्लीट करती है तो हमने क्या कहा था कि रिपीटेड डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वो वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, अपने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। अब अगर हम देखें इसको, हम अगर ऐसे अरेंज करके लिखें, मैथ्स में आपने किया होगा लैम्डा इंटू वन बाय टी, तो हम लिख सकते हैं ना। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वन बाय टी के। अब मैं वन बाय टी की जगह फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ। और अगर मैं इसको अरेंज करके रखूँ तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ठीक है, आपकी बुक में ये रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये रिलेशनशिप है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के। आपके पास ये भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा को डिराइव करें। ठीक है, आपके पास अगर ये वेव स्पीड वाला पूरा टॉपिक ना भी आए तो ये आ सकता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को डिराइव करें। तो आपने इसको इस तरह से ड्राइव करना है कि आपने वेव स्पीड से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको जो है ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आया कैसे, आपने इसको इस तरह से ड्राइव कर देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 10.6 पे, इसी से रिलेटेड है, यही फार्मूला यूज़ होगा। एग्जाम्पल नंबर 10.6, अब इसमें वो क्या कहता है, फाइंड आपने वेव स्पीड ही करनी है, इसमें ये वेव स्पीड ही फाइंड करनी है, ये दो वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए। इसमें वो कहता है अ स्टूडेंट वाइब्रेट्स द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एट 2.6 हर्ट्ज। कहता है कि एक स्टूडेंट है जो एक स्प्रिंग को वाइब्रेट करता है 2.6 हर्ट्ज पे। 2.6 हमारे पास यहाँ पे क्या है, हर्ट्ज है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी।
दिस प्रोड्यूसेस अ वेव विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.37 मीटर। अब ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे पास एक वेव जनरेट करती है जो कि किस स्पीड के साथ मूव कर जो कि जिसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 0.37 मीटर। अब हमने स्पीड ऑफ वेव जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2.6 हर्ट्स, और इसके बाद हमारे पास वेवलेंथ आ गई विच इज़ 0.37 हर्ट्ज़। हमने वी फाइंड करना है, यही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। वी इज़ इक्वल टू एफ की जगह आप क्या लगा दोगे 2.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेमडा की जगह 0.37, और हमारे पास ये कुछ आंसर इसका आ जाएगा 0.962। और हमारे पास स्पीड है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो स्पीड की जो हमारे पास होती है यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकेंड या ms^-1, ठीक है। तो हमने ऐसे जो है ये फार्मूला यूज़ करते हुए स्पीड को फाइंड आउट। अभी हम आ जाते हैं असाइनमेंट 10.6 पे। हमारे पास जो असाइनमेंट 10.6 है उसमें वो कहता है अब साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1.7 मल्टीप्लाई 10^-2 मीटर, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ इट्स वेलोसिटी इज 343.4 मीटर पर सेकेंड। अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो साउंड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इतनी है, ठीक है, 1.7, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है जो स्पीड है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं हमारे पास क्या है गिवन डेटा, क्या क्या आ जाता है गिवन डेटा में हम देखें तो हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ लेमडा से डिनोट करते हैं 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है हमारे पास, और क्या है वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड है या वेलोसिटी 343.4 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन अभी हमने पढ़ा है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब आपको वो लेमडा भी फाइंड आउट करने को दे सकता है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करने को दे सकता है, वी भी फाइंड आउट करने को दे सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। जो भी फाइंड आउट करने को देगा बुक में आपकी या फिर एग्जामिनर, तो आपने क्या करना है सिंपल ये फार्मूला लगाना है, और जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होगा उसको आपने आइसोलेट कर देना है और बाकी चीज़ों की वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने आंसर निकाल देना है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट करते हैं, लेमडा को दूसरी तरफ जाके हम क्या कर देंगे डिवाइड, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी स्पीड 343.4 और लेमडा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10^-2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 202 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 है तो ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगी। अब अगर हम इसको अरेंज करके मज़ीद उसमें लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन से अगर हम पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, आपने 9th क्लास में की होगी, 02 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, और आगे देखें आपने कितने शिफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किया 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे हमारे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव होगी, फ्रीक्वेंसी 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10^ आपके पास क्या होगी 4, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज़ में होती है, तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा ये रिलेशन अगर आप यूज़ करें तो आप कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।